नमस्कार दोस्तों, कैसेक्रेन.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि कई बार ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें जो है वो हमारे मैथ्स के जो है वो कुछ फॉर्मूलाज को, कुछ जो है वो इक्वेशंस को ऐड करने की ज़रूरत होती है हमारे एमएस वर्ड में, चाहे एक्सेल में, चाहे वो हो हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो ऐसे में जो वो हमें इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो वो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे में हम नहीं जान पाते हैं कि एग्जैक्टली हम कहाँ से जो है वो क्या जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है वो आप एमएस वर्ड में इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ऐसी जानकारियाँ जानते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जो है वो कर दीजिए। अभी जो है वो हम लोग सीख लेते हैं कि फॉर्मूलाज को ऐड जो है वो कैसे कर सकते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें जाना है स्टार्ट बटन पे, वहाँ से वर्ड को ढूंढ लेना है। सीधा सर्च बटन में भी जो है वो वर्ड हम लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलता है वर्ड का, वहाँ पर जो है हमें जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद लास्ट में हमें जो वो ऑप्शन मिलेगा एक इक्वेशन का, तो हम जो इक्वेशन पे क्लिक कर लेते हैं। इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे इक्वेशंस जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो वो जो इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं वो इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम पहला इक्वेशन या फिर ये जो है वो इक्वेशन जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एडिट करने के लिए आपको इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल ए करके होम पे चले जाइए, और वहाँ से जो यहाँ से आप बड़ा जो है इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप डिज़ाइन में चले जाइए, कुछ भी अगर इसके अंदर जो रिप्लेस करना हो, जैसे ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर आपको जो है वो ग्रेटर देन या फिर लेसर देन का जो है वो ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो जो भी लिखना चाहें वो जो है वो लिख सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहें यहाँ पर जो वो आप ऐड करना चाहें तो जो वो अपना आसानी से ऐड जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर इक्वेशंस लिख सकते हैं, जितनी चाहें उतनी इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग जो है वो बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं जिनका आप यूज़ करना चाहें तो अपने जो है वो मैथ्स को राइट करने में जो वो यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इनमें कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर सारे के सारे साइंस जो है वो आपको मिल जाएंगे आसानी से लिखने के लिए, साइन हो, पाइथागोरस हो, कुछ भी जो हो। यहाँ पर जो आपको बड़े साइंस भी जो वो मिल जाएंगे जो आप यूज़ करना चाहें, जितने यूज़ करना चाहें अपने जो है वो आसानी से यूज कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप आसानी से इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। साइन, कोस, थीटा सब जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहें आसानी से जो वो ऐड करके उनका यूज जो है वो कर सकते हैं। कोई भी जो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए होंगे कि एमएस वर्ड में मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी के आइकन को दबा दीजिए, ताकि एमएस वर्ड से जुड़ी हुई और मैथ्स से जुड़ी हुई नई जानकारियां आप तक इसी तरह जो वो पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर बटन दिया है वीडियो के नीचे, शेयर पर क्लिक करके, फेसबुक आदि पर क्लिक करके अपने दोस्तों को इस बारे में जरूर बताइएगा, ताकि वो भी जान सके कि कैसे जो वो इसका यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और नई नई जानकारियां जो वो सीखते रहिए और जानते रहिए कैसे करें।